नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। 15 अगस्त से पहले जिस तरीके से बार बार हम कह रहे थे कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां की जा सकती है, जिस तरीके से प्रभार सौंपा जा सकता है मंत्रियों को, ऐसे में बात की जाए तो देर रात एक सूची जारी की गई है जहां पर विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो नीमच मंदसौर की बात करें तो यहां पर निर्मला भूरिया को प्रभारी मंत्री बनाया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह की सूची जारी की गई है। साथ ही अगर बात करें तो जगदीश देवड़ा को जो डिप्टी सीएम है उनको जबलपुर देवास का प्रभार दिया गया। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर, एक जिला उनको इंदौर दिया गया है, वे इंदौर के प्रभारी होंगे। साथ ही अगर बात करें तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो वे सागर शहडोल के प्रभारी मंत्री होंगे। जिस तरीके से लगातार हम आपको कह रहे थे कि 15 अगस्त पर प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे, उस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रतलाम के जो विधायक है चेतन कश्यप, उनको नीमच का प्रभारी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनको भोपाल राजगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया है। एमएसएमई मंत्री है, उनको भोपाल और राजगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि नीमच की और मंदसौर की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहना साथ। जय हिंद, जय भारत।